भारत का नहीं चांदी का जमाना है, नकदी निकालो। हमारा खानदान शाही खानदान के बच्चों को तालीम देता है, महाराज के बुजुर्गों से हमें ये माफीनामा मिला हुआ है। समझ लो बुजुर्गों के साथ ये भी चिता चढ़ गया, अब नया कानून और नया फरमान है, महाराज का हुक्म है कि उन्हें छोड़ कर बाकी आओ। दरोगा, क्या आज फरमान की इज्जत करना भी भूल गए? आज की हुकूमत और उसके सिपाही सिर्फ एक ही फरमान की इज्जत करना जानते हैं, वो है तालक। हाजिर कराओ। मैं लगान नहीं दूंगा। Thank you.
आपके खानदान को तमीज सिखाई। ओ मान सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे आराम में पलट डालने? आराम नहीं, ऐश कर रहे हैं महाराज। आपका जान शराब से नहीं बल्कि मासूम रियान के खून से भरा हुआ है। मान सिंह यहाँ क्यों आए? अंधेरे में सोए हुए अंधेर नगरी के अंधेर राजन को जगाने आया हूँ। मान सिंह पता गिरा दो, हमारी यहाँ के दिन की रोशनी बर्दाश्त करने की आदी नहीं। यही रोशनी आपको हकीकत से आशना करेगी महाराज। नंगा नगर, भूखे लोग, भेड़ियों की तरह गरीबों की हड्डियां चूसने वाले आपके सिपाही आपको इसी रोशनी में नजर आएंगे। मान सिंह, ममता की भीख के लिए फैले हुए माताओं के दामन बच्चों की लाश से भरे जा रहे हैं। मान सिंह महाराज, विलखता हुआ बचपन, सशक्ति हुई जवानी, गिड़गिड़ाता हुआ बुढ़ापा, सब रहम और दया की भीख मांग रहे हैं। पायल की छंकार में खोए हुए राजन, कहीं ऐसा ना हो कि जुल्म की बढ़ती हुई याद रियाया को बगावत वाला वादा करते। मायती गिरफ्तार कर लो। खबरदार के किसी ने आगे कदम बढ़ाया तो। राजकुमार को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चे ने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन आपके सिपाहियों ने चंद चांदी के टुकड़ों के लिए मेरे जिगर के टुकड़े की जान ले ली। मानते ही महाराज, इसे समझाइए, ये सिपाहियों के जुर्म का बदला हमारे लाल से लेना चाहता है। मानते अगर तुम्हारे बच्चे का खून हमारे सिपाहियों से हुआ है तो तुम हमसे मुंह मांगी कीमत ले लो। इस दुनिया के बाजार में सब कुछ बिकता, औलाद का खून नहीं। महाराज अगर आप इस जुल्म इस अत्याचार को बंद नहीं कराएंगे, हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं मान सिंह, ये जुल्म बंद कर दिया जाएगा। तुम राजकुमार को छोड़ो। मुझे यकीन नहीं महाराज। मान सिंह तुम्हें महाराज की बात से यकीन नहीं? कैसे यकीन आएगा महारानी, जब आज मेरी आंखों के सामने बड़े महाराज का दिया हुआ माफीनामा एक मामूली दरोगा ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। हम उस गुस्ताख के टुकड़े टुकड़े करवा देंगे। हमारा हुक्म है ये जुल्म इसी वक्त बंद किया जाए। अरे क्यों हो, जाओ। माफ महाराज, आपको ऐसा हुक्म दीजिए जिसके तामील में शराब और कैसा पेश की जा सके। रियासत के बाकी मामलात में आपकी नहीं महामंत्री के हुक्म की तामील होगी। देख लिया महारानी, अब आपके महाराज की हुकूमत सिर्फ शराब और रक्स की महफल तक महदूद होकर रह गई है। मैं राजकुमार को साथ लिए जा रहा हूँ, अगर जुल्म सितम बंद न किया गया तो इसकी लाश वापस ले जाऊंगा। मान सिंह हमारी ममता पर तरस खाओ, हम राजकुमार के बिना जिंदा नहीं रह सकते। रियासत में बहुत सी ऐसी माएं हैं जिनके बच्चे उनसे छीन लिए गए, अगर वो जिंदा रह सकती हैं तो आप भी जिंदा रहेंगी, और अगर तुम में किसी ने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो राजकुमार को जिंदा नहीं पाओगे। उसे रोकिए ना, वो हमारे राजकुमार को लिए जा रहा है, उसे रोकिए। मैं जा चुका महारानी। आप ही ने उसे जाने दिया, आप ही ने मेरे राजकुमार को मुझसे जुदा किया। आप बाप नहीं पत्थर हैं, महाराज नहीं शराब और रक्त की महफिल का गुलाम है। महारानी हम कुछ सुनना नहीं चाहते, कर चुके हैं जो लगाम दिए बगैर मर जाए उसका कफन बेच डालो। रियासत एक ऐसा दरख्त है जो सोने और चांदी से सींचा जाता है और हम उसे कभी सूखने नहीं देंगे। महामंत्री बंद करो ये खून चूसना। महाराज आप पर्दों से बाहर तशरीफ क्यों लाए? जो पर्दे तुमने हमारी आंखों पर, हमारी अकल पर और हमारी रियासत की किस्मत पर डाल रखे थे उठ चुके,
बताओ राजा तुम हो या हम? महाराज राजा तो आप हैं, मैं सिर्फ आपका दास हूं। तो फिर बताओ तुम रियासत की खेती में बागी क्यों पैदा कर रहे? किसके हुक्म से गरीबों के कफन बिक रहे हैं? किसकी इजाजत से सुहागनों के मंगलसूत्र तोड़े जा रहे हैं? रियासत की हर गली के हर घर से कराहने की आवाजें आ रही हैं। क्यों महाराज? लोग अपना उतरा हुआ नाखून भी खुशी से देने को तैयार नहीं। और तुमने नाखून के बदले उंगली ही काट डाली। तुम्हारी लगाई हुई आग हमारे राजमहल तक पहुंच चुकी है। मान सिंह जिसे माफीनामा मिल चुका था उस पर तलवार उठाई गई, तुमने उसके जिगर पर हमला किया और वो हमारी आंखें ही हमसे छीन कर ले गया। वो राजकुमार किरण को जमानत के तौर पर ले गया। अगर जुल्म बंद हुआ तो तुम ही सोचो क्या होगा हमारा। अगर रियासत के लिए कई माओं के बच्चे लड़ सकते हैं, कट सकते हैं, मर सकते हैं, उनमें अगर राजकुमार भी रियासत के काम आ जाए तो आपको अफसोस नहीं करना चाहिए। महामंत्री क्या करो? अपने महाराज को गिरफ्तार कर लो। महाराज आज से आप सिर्फ शतरंज के राजा हैं, हमारी कैद में है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक सिपाही की तलवार उसकी म्यान में कैद रहती है। और हाँ, हम आप पर एक एहसान और किए देते हैं, राजमाता आपके साथ रहेंगी। ले जाओ। मान सिंह और राजकुमार को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करो। बाप बेहतर सरकार। जा सकते हो। आज्ञा बदमाश चलो। अगर मान सिंह गिरफ्तार न हुआ तो समझो ये एक फांस है जो अभी दिल में छुपी है। कुछ दिनों के बाद ये भाला बन जाएगी। राजकुमार अभी कच्चा लोहा। अगर मान सिंह ने उसे अपने तालीम से ढाल कर फौलाद बना लिया तो वो उसे एक तलवार बनाएगा और फिर वही तलवार हुकूमत, राजगद्दी और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। वाह वाह वाह, जीते रहो बेटा, वाह वाह। क्या हुआ बेटा? बाबा मुझे भी बड़ी तलवार दो ना। बेटा तलवार बड़ी हो या छोटी एक ही सा काम करती है, लेकिन इस्तेमाल कर ढंगा ना कीजिए। बस 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 बस, आज बहुत हो गया। क्यों बाबा, इसलिए मैं हाथ कर बैठ गए? दो चार हाथ और हो जाए। हाँ बेटा, तू अभी जवान है ना, मैं हो गया हूँ बूढ़ा। अब लो बाप बेटा दूध ले लो। लो बेटे लो, लड़का ला लो, तुम जाओ जाओ। हाँ दूध पी लिया बेटा? हाँ। अब आओ ला। बादल। हाँ बबलू। बादल ये क्या चाचा, बादल के हाथ में तलवार? अरे तुझे नहीं मालूम, ये मुझसे रोज तलवार सीखता है, कल से तू भी आ जाया कर। नहीं नहीं चाचा जी, मुझे तलवार उलवार नहीं सीखनी, मैं तो गिनती सीखूंगा। गिनती? गिनती सीखे? हाँ, जिस दिन एक से सौ तक गिनती आ गई तो बस समझ लो क्या होगा, तारे गिनूंगा। तारे? हाँ चाचा, मेरे बाबा कहते हैं कि बेटा दुनिया में कोई ऐसा काम करो जो किसी ने नहीं किया। और मास्टर जी कहते हैं कि तारे आज तक कोई नहीं गिन सका। क्यों, कैसी रही चाचा? बहुत अच्छी रही बेटे, बहुत अच्छा। जाओ खेलो। तुम लोग जाओ जमना रात में वसूली करते आओ। ए बुटे घोड़ा पर नार लगा दो। अभी लगाता हूँ हजूर। सुनो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मक्खन सिंह। मान से मक्खन कब से हुए? मेरा नाम मक्खन सिंह है। तुम्हारा नाम मान सिंह है? आपको धोखा हुआ।
सिपाही की तलवार धोखा खा सकती है मगर नजर धोखा नहीं खा सकती। तुम्हारा नाम मान सिंह है, बताओ राजकुमार कहाँ, बताओ बताओ राजकुमार कहाँ। महाराज तुम्हारा नाम मान सिंह है। जी हाँ जी हाँ, मेरा नाम मान सिंह है। बताओ राजकुमार कहाँ। बताता हूँ, जब आपने पहचान ही लिया है तो मैं बताता हूँ। मैं अभी उसे आपके पेश हमेशा एक ही सुर में रोते हो, पिताजी के खून का बदला लेना है, ये कपड़े उल्टे पहन के काला आदमी बनना है, सीधे पहन के साधा आदमी बनना है। और ले खामोश। तुम दोनों यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से तलाश कर रही हूँ। चलो चलो, वो लोग आकर बैठे हैं। वो लोग कौन है? अरे भूल गया, आज तेरी सालगिरह है ना। अच्छा आज की सालगिरह है। हाँ। सालगिरह मुबारक हो। ये लो मौसी, आज खाना खूब बना होगा। नहीं बना है, मुझे भूख लगी है। अच्छा माँ, तू तो मेरी सालगिरह ऐसे मनाती है जैसा मैं कोई राजकुमार हूँ। राजकुमार तो है। हा? मेरे कहने का मतलब है कि कोई मेरी निगाहों से देखा है तो किसी राजकुमार से कम थोड़ी ही है। अच्छा मौसी, वो सराय वाले चाचा आए हैं ना। अरे चाचा भी आए हैं और उनकी बेटी आरती भी आई है। आरती? हाँ, और आज आरती का नाच भी होगा। अच्छा अच्छी भली मैं तो जैसी
अपना अपना माल उठा लो। अपना अपना माल लाइए, मैं पहना दूं। एक सवाल पूछूं? पूछिए। ये बिजली किस पे गिरेगी? ये सवाल आपको बिजली से नहीं, बादल से पूछना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, हम भी जल जाने के उम्मीदवार हैं। क्या बात है, एक आदमी से इतने आदमी डर के भाग गए? बला की फुर्ती है उस आदमी में। देखा चाचा जी, जो काम हम सब मिलकर नहीं कर सके वो अकेला यूं करके चला गया। भगवान की देन है भैया, सब ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते पिताजी? बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। और हिम्मत ही तो नहीं है हम लोगों में। सिर्फ हिम्मत से क्या होता है, लड़ाई के लिए हथियार चाहिए और हथियार बनाने के लिए दौलत, वो हमारे पास नहीं है। दौलत तो पैदा की जा सकती है पिताजी। वो कैसे? मैं पिताजी के सराय में नाचूंगी गाऊंगी। तुम सराय में अजनबी लोगों के सामने नाचोगी और गाओगी? तो क्या हुआ, जुल्म से टकराने के लिए अगर औरत अपने सर से पल्लू उतार के कमर में बांध ले तो इसमें शर्म की क्या बात है? आरती ठीक कहती है बेटा, आओ चले। No!
सामना सामना तो से जब हुई गवा, तुहे कुछ ना हुआ वोहे सब हुई गवा। माला माला तू सपने में भी मुझे पुकार रही है। बबलू माला बबलू बबलू क्यों चिल्ला रही है? आंखें खोल कर देख, तेरा बबलू तेरे पास है। बबलू अरे गुबली मार माजी को, जब मियाँ से ये राजी तो क्या करेगी बुढ़िया का जी? बुढ़िया के बच्चे मैं ऊपर हूँ। अरे ऊपर जाए तेरे दुश्मन, तेरी मुटल्ली माँ, तू तो हमेशा मेरे पास रहेगी। बबलू पीछे देख। अरे तुम मेरे पास होते हो, पीछे क्यों देखूं? शुक्र है बुढ़िया ने आंख नहीं खोली। तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं है बेशरम, अकेली औरतें देख के हमारे घर में घुसा है, शर्म नहीं आती? शर्म तो आती है क्योंकि घर में कोई आदमी नहीं है, इसीलिए मैं घुसाया। अब मैं माला से शादी करके चला जाऊंगा। माला से शादी करके चला जाएगा कैसे जाएगा? कल मैं माल लेके आऊंगा और माला से शादी करके चला जाऊंगा। अरे शकल से तो तू गरीब दांत लगता है, कपड़े पहनता है चोरी के, खाना खाता है मांग के, और मैं तुझे जमात बना लूं भाग यहाँ से। खबरदार जो तूने मेरी लड़की का नाम लिया। अकेला आया माला को साथ। माला ले के माला 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 क्या बात है कल हुई सारी गई सब पानी भरेगा उसको लगान देना पड़ेगा। लगान? पानी पे लगा? हाँ हाँ जल्दी करो। नहीं हम पानी पे लगान नहीं देंगे। नहीं दोगी तो ले लिया जाएगा। मगर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। समझे तो सब कुछ और नहीं समझे तो कुछ भी नहीं। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। हाथ लगाया तो क्या होगा मैं बताता हूँ। अला आदमी
ये तो गिर गया, चलो वापस चले। हाय माला माला, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। माला तुम बात क्यों नहीं करती, तुम रूठ गई हो मुझसे। माला बोलो ना क्या है, हा? तुम रूठ गई हो मुझसे। शादी के बाद तुम इसी तरह मुझसे प्यार करोगी ना, मैं समझ गया। तुम्हारी माँ को दौलत चाहिए, मुझे माला तुम चाहिए, माला तुम चाहिए। बाबलू ये क्या हो रहा है? माला माला, उसकी माँ का मुंह हो काला, वो मुझे उसे मिलने नहीं देती, इसलिए मैं इसको माला बनाकर अपना दिल बहला रहा हूँ। छोड़ो इन बातों को, हमको बहुत कुछ करना है। वो तो मालूम है, लेकिन ये क्या है? इसमें है दौलत। दौलत? हाँ। बस अब ये माल भी माला की माँ को दे दूंगा, फिर माला मेरी हो जाएगी। पर खुरदार ये दौलत माला के लिए नहीं है, बल्कि इससे हम लोग हथियार बनाएंगे। कल सुबह हम इसे ले जाकर सराय वाले चाचा को देंगे, उधर वो काम शुरू करेंगे और इधर मैं अपना काम शुरू करूंगा। महाराज की मौत। दो चार छह आठ दस हाथ नकारा, दो चार छह आठ दस आंखें अंधी है। मैं कैसे मान लूं कि एक साल आदमी इतने आदमियों को मौत देकर चला गया? पिताजी इन निकम्मों से कुछ नहीं होगा, आप मुझे इजाजत दीजिए। आप क्यों भैया? अभी तो रियासत में बड़े बड़े बहादुर मौजूद हैं, क्यों सुंदर जी? जी हाँ सेनापति जी, ये मौका मुझे दिया जाए। सुंदर हमें तुम्हारी बहादुरी पर नाज, लेकिन दुश्मन को गिरफ्तार करने के लिए बहादुरी के साथ साथ चालाकी की जरूरत है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं समझाती हूँ, बहादुर होते ही ना समझ है। शशि सुनो, सारी रियासत में ऐलान करवा दो कि जो कोई भी काले आदमी को गिरफ्तार करवाएगा उसे 5,000 मोहरे इनाम दी जाएंगी, और जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा जो कुछ लूटेगा रियाया से वसूल किया जाएगा। अब तुम जा सकते हो। दर्शन उस फरमान पर महाराज की मोहर लगा दो। पिताजी आप भैया से सारी उम्र मोहरी लगवाते रहेंगे या इनका राज तिलक भी होगा? होगा, राज तिलक भी होगा, लेकिन वक्त आने पर। आओ बादल आओ। ये लीजिए चाचा जी, इन थैलों में माल है, और अब आप हथियार बनाना शुरू कर दीजिए। हाँ बेटा तुमने तो कमाल कर दिया, चलो बाबलू अंदर लेके चलो। जाओ तुम भी चलो ना साथ में। हुस्न अगर इजाजत दे तो कुछ अर्ज करो। फरमाइए। फुर्पत की घड़ियां अब काटे नहीं कटती, दिल दिलदार के करीब रहना चाहता। गुर्बत गुस्ताखियों को जन्म देती है और शबाब गुस्ताखियों को दावत देता है। लोगों की निगाहें उठ रही, चलो इन निगाहों से कहीं दूर चले। पांव में फर्ज की जंजीरें जो पड़ी है, थोड़ी देर के लिए मोहब्बत में खो गई फर्ज को भूल जाओ, बहक जाओगे। बहकना भी तो मोहब्बत की कला है। कान खोल कर सुनो और आंख खोल कर देखो, ये 5,000 मोहरे उस आदमी की झोली में डाली जाएंगी जो काले आदमी के पकड़ने में मदद करेगा, और ये तलवार उस आदमी की गर्दन पर चलाई जाएगी जो काले आदमी की मदद करेगा। तुम अदब से खड़े क्यों नहीं हुए? तुमको मालूम नहीं कि हम यहाँ के कप्तान सुंदर हैं? तुम मेरे सुंदर से हाथ मिलाइए। ये दूसरा सुंदर कौन है? मेरे बंदर का नाम सुंदर है। बकवास बंद करो, मुझे जबान दराजी बिल्कुल पसंद नहीं, बदतमीजी कहीं का। बदतमीजी तो आप कर रहे हैं कप्तान साहब, वाकई उसके बंदर का नाम सुंदर है। गुस्ताख, हम तुम्हें भी जान से मार देंगे। जान इतनी सस्ती नहीं है कप्तान साहब। ये बात है, ये बात है।
Thank you.
बार माफ कर दिया, फिर मिलोगे तो खबर दूंगा, बता दो। हमारे होते हुए कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता मेरी जान। कमाल है जिंदगी, पहली ही मुलाकात में दाढ़ी गायब। मिसाल नहीं मिलेगी ऐसे बहादुरों की सारी रियासत में, सिर्फ दाढ़ी पर ही सब्र कर ली, नाक क्यों नहीं कटवा ली? पिताजी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये काला आदमी कोई जात का हज्जाम है। और एक हज्जाम को पकड़ने में हमारे सिपाह सालार नाकाम रहे। किसी दिन मेरे सामने आ गया तो मैं उसे फूल की पत्ती की तरह मसल दूंगा। शाबाश बेटा, वो वक्त आ गया, इन सबको लेकर जाओ और वहीं खेमे लगा दो जहां से वो हमेशा गायब हो जाया करता है। और उस वक्त तक वापिस मत लौटो जब तक वो पकड़ा नहीं जाए, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। ने न जाने कितनी सुहागनों को विधवा कर दिया और कितने बच्चों को यतीम। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। आज से कई साल पहले मेरे बेगुनाह बाप को आपके सिपाहियों ने कत्ल कर दिया था। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। जुल्म तो महामंत्री करवाता है, हम सब कब से नजरबंद। काश आज हमारा राजकुमार होता। कहां है आपका राजकुमार? मैं ये एक लंबी कहानी है। आज से 20 साल पहले एक बाप आया था जिसके बेटे को सिपाहियों ने मार दिया था। वो हमारे राजकुमार को उठाकर ले गया। आज एक बेटा आया है जिसके बाप को सिपाहियों ने कत्ल कर दिया। वो हमारा सुहाग लूटना चाहता है। क्यों, आखिर क्यों? महामंत्री के जुल्म का बदला तुम हमसे क्यों लेना चाहते? इसलिए कि हम बेबस हैं, इसलिए कि बच्चे के इंतजार में हमें जीने पर मजबूर कर दिया है। आज वो भी तुम्हारे जितना बड़ा हो गया होगा। बस करो महारानी, किसी अजनबी के सामने अपना दुखड़ा रोने से क्या हासिल? हमें किसी की दया नहीं चाहिए, किसी का रहम नहीं चाहिए। नौजवान, तुम्हारे हाथ में खंजर, हमारा सीना इसका मुंतजर। महाराज की जय। महाराज, हुकूमत के वफादार सिपाहियों ने रियासत का कोना कोना छान मारा, लेकिन तब के वारिस का कोई पता नहीं। हम अपने लाल का इंतजार करेंगे। आखिर तब तक? अब हुकूमत हमारे बस से बाहर होती जा रही। हमने हर तरह के लगान लगाकर देख लिए, खर्च ज्यादा आमदनी कम, यहाँ तक के पानी पर भी लगान लगा दिया। नमक हराम कमीने, तुम कौन सी मौत मारना चाहते हो हमारे बच्चों को? गरीब रियाया का खून पीकर तुम्हारी प्यास नहीं बुझी और पानी पर भी लगान लगा दिया। महाराज, अगर आप दर्शन सिंह को गोद नहीं लेंगे तो औलाद पर भी लगान लगा दिया जाएगा, जिंदगी और मौत पर। महाराज, महाराज वो दिन दूर नहीं जब रियाया मेरे बेटे के हक में आपको राजगद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दे। उस दिन मुझे आपकी बेबसी पर रोना है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह जुल्म की तलवार बहुत जल्द तोड़ दी जाएगी। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ। भगवान इसकी उम्र लंबी। माला बेटी, जरा चावल ठीक से चुन, उसमें डेढ़ डेढ़ मन का पत्थर निकलता है, खाए नहीं जाता। अच्छा ये लो, अकी शादी के बाद मगर
काम पक्का होना चाहिए पंडित जी। चिंता मत करो बच्चा। जय भोले राज, देवी ब्राह्मण आए हैं। पता नहीं महाराज पैसी। महाराज मैं क्या सेवा करूँ आपकी? सेवा का फल मेवा। मेवा के माँ से याद आया, मेवा के माँ से याद आया हाँ कि आपकी एक ही पुत्री है हाँ। और उसका नाम माला है। अरे महाराज आप तो बड़े अंतर्यामी हैं। आप कोई प्रश्न कीजिए हाँ। हम उसका उत्तर देंगे। महाराज मैं क्या प्रश्न करूँ, मेरा तो नाम ही उत्तरा देवी है, आप ही कुछ बोलिए। बोलिए हाँ। बोलिए के बाद से याद आया बोलिए के बाद से याद आया हाँ। कि लड़की से शादी करने वाले का नाम बबलू है। बड़ा ही प्यारा। महाराज मैं उस गरीब दास के बच्चे से अपनी शादी, अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगी। वो बड़ा ही निखट्टू है, बड़ा ही चोर लुटेरा है, समझ गए? तो आपकी लड़की की शादी जिंदगी भर नहीं हो सकती है? नहीं नहीं होगी महाराज। क्यों? क्योंकि इसकी किस्मत में बबलू के सिवा दूसरा कोई पति नहीं, और तुम्हारे माथे पे लिखा है वही तुम्हारा दामाद बनेगा। महाराज अगर ऐसा ना हुआ तो बताइए। तो और कुछ होगा? क्या होगा? मृत्यु। किसकी? किसी की भी। महाराज किसकी? तुम्हारी। माँ महाराज ऐसा ना कहो, मुझे अपनी अपनी लड़की की शादी बबलू के साथ करना मंजूर है। नमस्ते माँ जी। अरे क्यों रे, आज तो सासू माँ कह के नमस्ते नहीं करेगा। मैं सास कहता हूँ तुम मुझे मारती हो। अरे नहीं मारूंगी, क्या तो सही। तो नमस्ते सास जी। सुखी रहो मेरे होने वाले दामाद। दामाद बस 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 सुखी रहो। तो ये शादी पक्की? हाँ पक्की, मगर तू अपनी माँ को जरा मेरे पास भेज दे। माँ? अरे सारी लेन देन की बात तो उसी से करनी है। हाँ मगर वो तो बहुत ऊंचा सुनती है। ऊंचा सुनती है तो मत घबरा, मेरे गले में भी बड़ा दम है। ऐसा ऊंचा बोलूंगी कि भाई के दोनों कान बराबर कर दूंगी। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। इधर नहीं इधर। इधर हाँ। अच्छा अरे पेट में दर्द हो जाएगा। महाराज अब तो नहीं मरूंगी मैं। कभी नहीं, हमारी बताई हुई बात कभी झूठ नहीं हो सकती। नहीं? कौन है? बता दो कौन है? बता कहते हैं बताने तो तेरी गर्दन काटूंगी। कौन है? सच बात तो ये है, मेरी उधर दुकान है हजाम की, बबलू मेरा दोस्त है, मुझे बना के लेके आया। अब मैं तेरे को बनाती हूँ, तेरे को बताती हूँ। जगह है जहाँ से काला आदमी गायब हो जाता है? आइयो जरूर, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। चलो काला आदमी फलाने जाया करता है। अब इधर आएगा तो वापस नहीं जाने दिया जाएगा। खबरदार खबरदार, आज आप लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। ए, क्या कर रहे हो? पीछे से बहुत बड़ी फौज आ रही है, तुम्हारी बोटियों तक का पता नहीं चलेगा। भाग जाओ। भागते हो कि नहीं? नौजवान हम तुम्हारे मशकूर हैं, तुमने हमारी जान बचाई। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा अखलाकी फर्ज था।
लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। हम लोग यहाँ काले आदमी को गिरफ्तार करने आए हैं, यहाँ से थोड़ी दूर हमारे खेमे। तो फिर उखड़वा दीजिए अपने खेमे। क्यों? समझ लीजिए कि काला आदमी गिरफ्तार हो गया। वो कैसे? हुजूर, ये काम फौजी ताकत से तो होगा नहीं, बल्कि सिर्फ चालाकी से हो सकता है, और वो भी मैं कर सकता हूँ। अभी आपने देखा नहीं मैंने किस तरह एक आवाज में इतने आदमियों को भगा दिया? इसी तरह एक दिन काला आदमी भी आपके कदमों में होगा। भैया, अगर ये हुकूमत के दोस्त बन जाए तो इन्हें शुक्रिया के साथ एक ओहदा पेश कर दीजिए। तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली। क्यों नौजवान, तुम्हारी क्या मर्जी है? हुजूर, मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। तो आओ हमारे साथ चलिए। आप कुछ भी कहिए हुजूर, मगर मुझे इस आदमी पे शक है। क्यों? इसलिए कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा? यही कि वो रक्कासा आरती, जिसकी हर अदा कयामत है, उस आदमी को अपने प्यार भरी नजरों से देख रही थी। तुम्हारी शक की सिर्फ इतनी वजह है? हुजूर, आप मानिए न मानिए, मगर मेरा दिल कहता है कि ये आदमी एक न एक दिन आपको धोखा देगा। और मेरा दिल कहता है भैया, आपकी तलवार शायद बेवफा साबित हो सकती है, लेकिन वो वफादार साबित होगा। खैर, छोड़ो इन बातों को। तुम किसी रक्कासा का जिक्र कर रहे थे? हाँ हुजूर, वही आरती। कैसा नाचती है? आपने कभी बिजली को दिल पर गिरते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो आरती को नाचते हुए देखिए। वो हमारे खेमे में आ सकेगी? वो ना आ सकेगी, हम तो ला सकेंगे। ऐसा? तो हम भी तो देखें कि वो किस जात की नागिन है जो सबको डस लेती है। जाओ लेकर आओ। मैं सच कहता हूँ चाचा जी, अगर बादल हम लोगों को झूठ बोलकर न भगा देता तो हम सबको खत्म कर देते। वो तीन थे और हम आठ। सिर्फ इतना ही नहीं, बादल उन लोगों से इस तरह खुल मिल के बातें कर रहा था जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। जब तक मैं बादल से न मिल लूं कुछ नहीं कर सकता। शायद इसमें भी कोई राज होगा। इसमें कोई राज नहीं, बादल ने हम लोगों को धोखा दिया। हमारे सेनापति ने तुम्हें अपने खेमे में बुलाया। किस लिए? दिल बहलाने के लिए। मैं कोई दिल बहलाने का खिलौना नहीं हूँ। सेनापति होने वाले महाराज हैं, वो तुम्हें मालामाल कर देंगे। ऐसे सेनापति मैंने बहुत देखे, उनसे कह देना मेरा जब मन नाचता है तो मैं नाचती हूँ। यह दर तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। क्या मतलब? कुछ नहीं, आपने अपना खेमा देखा? जहाँ आप सामने हो वहाँ किसी और चीज पर भला नजर पड़ सकती है। यहाँ सिर्फ हम ही नहीं, चांदनी रात भी है और मेरा ख्याल है शायद तन्हाई भी है। तुम्हें पसंद है? क्या? चांदनी रात और तन्हाई। जी हाँ, मुझे बहुत पसंद है। और तुम ये भी जानते हो कि हमें तुम बहुत पसंद हो। ये तो मेरी खुशकिस्मती है, लेकिन ये मौका कितना खूबसूरत है। जी हाँ। ये लम्हे कितने कीमती हैं। खबरा क्यों गए? बात दरअसल ये है कि अगर किसी ने हमें देख लिया तो बड़े डरपोक। जिस दिन से तुमने मुझे प्यार भरी नजरों से देखा है, पल्लू है कि सर पर टिकता ही नहीं। मैंने कहा मेरे पल्लू को समझा दो, गिर के न जाए। जी, ये समझने समझाने की बातें तो किसी वक्त फुर्सत से होंगी। यहाँ तो ये आलम है कि पत्ता खड़का और दिल धड़का है। दिल से दिल मिलाकर देखो किसका दिल ज्यादा धड़कता है। तो फिर आइए आइए। कहाँ ले चलोगे? मैं आपको आपके खेमे तक पहुँचा दूँ। मुझे आपके भाई साहब से भी कुछ बातें करनी है। आइए। क्यों, अकेले ही चले आए? उसका कहना है कि ऐसे सेनापति तो मैंने पायल बांधने के लिए नौकर रखे हैं, और कई रियासतों के राजे सिर्फ मेरे पांव की धूल का टीका करने की आरजू में सिसक रहे हैं। ओह, ऐसा? सेनापति, वो कह रही थी कि मैं वो नर्तकी नहीं जो चांदी के टुकड़ों और सोने के सिक्कों के लिए नाचती। मेरा जब मन नाचता है तो मैं नाचती हूँ, मुझ पर कोई हुकूमत नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ेगा।
कितने दिल तोड़े कुछ नहीं मालूम, दौलत तो थी क्या है नशा, कोई नहीं अपने सिवा, खुद ही सनम खुद ही खुदा, एक है दिल प्यार भरा, किसको मैं दूँ मेरे खुदा, वो दिल में डूबी है नजर में डूबी है दिल में डूबी है। खाल में भेड़िया छोटी मोटी सुइया रे जाल का मोरा काटना छोटी वो रही लड़की की माँ। अरे मर गई। और तुम ऊंचा सुनती हो इसका ख्याल रखना। तुम फिक्र मत करो चलो चलो। मैंने कहा हम लोग अंदर आ जाए। आइए आइए आपका बेटा है जी नहीं मैं इसकी माँ हूँ। वाह बाल तो एक भी नहीं पका लगता है सौतेली है। जी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए लड़का पक गया मगर बाल एक नहीं पका। हाँ
क्यों रे बबलू, तू तो कहते थे तेरी माँ ऊंचा सुनती है, अरे ये तो नीचा भी सुनती है और गला फाड़ फाड़ के रही है, ये चीख रही है जैसे मैं बहरी हूँ। नहीं बात ऐसी है सास माँ जी, आपने उस दिन कहा था ना कि मैं कान ठीक कर दूंगी। हाँ, समझ गई, कान अपनी आवाज से, हाँ जादू चल गया। तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे खाने पीने के लिए कुछ मिठाई लेके जल्दी आना। हाँ हाँ जल्दी, समझ गई। ने तो सब बना बनाया खेल बिगाड़ दिया, फिर भी मैंने बुढ़िया को पटाया कि नहीं, पर फिर भी ठीक हो गया। अब क्या है, अब तो हमारे खाने पीने का इंतजाम भी हो रहा है। ये तो मैं रोज खाता हूँ, रोज खाता है और इतने खाएगा, इतने खाएगा बेईमान, जैसे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों रे, उस वक्त शाम को मैं ये ज्योतिषी बना के ले आया है और आज इस मुटल्लो को अपनी अम्मा बना के ले आया। क्या कहा मुटल्लो, मुटल्लो होगी तू, मुटल्लो होगी तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा सारा खाना ने मुझे कितना परेशान किया है जानते हैं? जान, इसीलिए तो मैं अपनी सफाई पेश कर रहा हूं। मुस्कुरा, मुस्कुरा। हाय, इस जान जैसे चेहरे से उड़ गई उदासी की घटाएं और छा गया आवारा बादल। ये शरारत मुझे बिल्कुल पसंद है। बैठो, इसमें शरारत की क्या बात, ये जालिम तन्हाई मुझे इन बातों पे उकसाती है। क्या कहती है तन्हाई? ये तन्हाई कहती है कि बादल ये बिजली थी। झूठ कहती है। झूठ? हाँ बिल्कुल झूठ। तो फिर सच क्या है? मैं क्या जानू? तो फिर जो जानता है उससे पूछो, मैं बता। बड़ा मजा है। आओ शशि, कहाँ गई थी? चंद कदम घूमने गई थी। शायद ये जगह शशि जी को पसंद नहीं आई। क्या बात है शशि, उदास क्यों हो? सोच रही हूँ एक आदमी के कितने चेहरे हो सकते हैं। क्या मतलब? वो लड़की जिसने उस दिन आपकी बेइज्जती की थी आज बादल से यहाँ प्यार कर रही है। कहाँ? तालाब पर। कैसी लड़की, एक को तमाचा दूसरे को तमाशा। और बादल भी कहता है आपकी दुश्मनी से हाथ खेल रहा है। सुंदर, शशि ने याद करवा दिया कि हमें तमाचा पड़ा था और हमने आज तक उस तमाचे के दाम भी नहीं वसूल किए। जाओ आरती को ले आओ। मैं भी इसी दिन का इंतजार कर रहा था। हमारे मेहमान अभी तक हमारे घर में नहीं आए। छोड़ दो मुझे। सेनापति, आपके आदमी मुझे यहाँ क्यों लाए? ये मंडी है, यहाँ तमाचे बिकते हैं और तमाचे खरीदे जाते हैं। आज उस दिन के तमाचे की कीमत वसूली की जाएगी। बहादुर मर्द,
औरत की बेइज्जती का फायदा नहीं उठाया करते। औरत को जिस मर्द ने बहादुरी से जीतने की कोशिश की वो हमेशा नुकसान में रहा है। औरत तो रियासत की गद्दी है, कभी चाल से मिलती है कभी छीन ली जाती है। बैठ जाओ, मैं तमाचा नहीं मारूंगा। मुझे हाथ मत लगाना। सिर्फ मेरे हाथ में वो हाथ दे दो जिस हाथ से तमाचा मारा। मेरा हाथ पकड़ा तो मेरा हाथ उठेगा और मैं इस उठे हुए हाथ को अपने गले का हार बना लूंगा। कमीने, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये सराय नहीं, सेनापति का खेमा है, जहाँ बिना इजाजत मौत भी नहीं आ सकती। छोड़ दो मुझे। मुझे अपनी लाज के लिए मरना भी आता है। तुम तो मरोगी जब मरोगी, हम तो सबके मर चुके। छोड़ दो मुझे। औरत की लाज पर बिजली का पहरा रहता है। ओ, आ गए तुम, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। मैं भी इस मंडी में तमाचे के दाम चुकाने आया हूँ, समझो। सेनापति, तुमने आज तक क्यूरी वाली कड़ाइयां नहीं मरोड़ी, मर्दों से पंजा नहीं लड़ाया। मैंने भी सुना था, लेकिन ये कंबख्त गया किधर है? सिपाही पीछे गया, अभी मालूम हो जाएगा कहां जाता है। देखिए ना, किस बेदर्दी से तलवार चलाई है, पट्टी बांध लो। नहीं, मामूली जख्म है, अगर आज पकड़ा गया तो पट्टी उसी से बनवाऊंगा। अजीब बात है सेनापति, मैंने तो ये सुना है कि काला आदमी हमेशा उस वक्त आता है जब कोई दुखी किसी जालिम के पंजे में गिरफ्तार है। कोई ऐसी वैसी लड़की घुसाई थी हमारे खेमे में, शायद काला आदमी ये समझा कि हम भी जालिम हैं। वैसे तुम तो जानते हो कि हम जालिम नहीं। हाँ, न जाने आजकल लड़कियों को ये क्या हो गया है। जी, एक लड़की मेरे खेमे में भी घुसाई थी। अच्छा? जी हाँ। खैर, परेशानी कोई बात नहीं, आप इत्मीनान रखिए, मैं इस काले आदमी को गिरफ्तार करूंगा और उसे ये बता दूंगा कि किसी शरीफ आदमी को छेड़ने का क्या शर्त है। बादल, ये चंद जरूरी कागजात हैं, इन्हें लेकर तुम्हें राजमहल जाना होगा। बहुत खूब, इन्हें महामंत्री जी की खिदमत में पेश कर देना। इनमें तुम्हारी नौकरी के कागजात भी हैं, जिन पर शाही मोहर लग जाने से तुम हमारे खास आदमी बन जाओगे। बहुत बेहतर। और ये लो हमारी अंगूठी, इससे तुम्हें शाही महल में दाखिल होने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इस वर्दी को पहनने के बाद भी? वर्दी पहन के तो दुश्मन भी दाखिल हो सकता है। माफ कीजिएगा, इसका मुझे ख्याल। माँ, माँ, आई बेटा। बादल, ये क्या? अरे, क्या हुआ माँ? तुम्हें इस लिबास में देखकर मुझे कितना दुख हुआ ये तुम जानते हो? इसमें नाराज होने की क्या बात है माँ, मैंने तो राजमहल में आसानी से आने जाने और वहाँ के राज मालूम करने के लिए ये नौकरी की है। इस तरह मैं महामंत्री का अपना आदमी बनकर महाराज और राजमाता को आसानी से छुड़ा सकूंगा। लेकिन कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो? अरे माँ, अगर इस नेक काम में मैं काम आ जाऊँ तो इससे अच्छी मौत और क्या। मौत का नाम मर लो बेटा, जिन्हें तुम बचाने जा रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा है, अगर तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो वो भी जिंदा नहीं रहेंगे। मैं समझा नहीं माँ। मैं तुम्हें समझाती हूँ बेटा। नहीं नहीं,
अब मुझे तुम्हें बेटा नहीं कहना चाहिए। बादल, तुम्हें सुनकर ताज्जुब होगा, दरअसल तुम मेरे बेटे नहीं, महाराज और राजमाता के खोए हुए राजकुमार किरण हो। राजकुमार किरण? हाँ, ये रहा सबूत। तो क्या मक्खन सिंह मेरे बाबा? वो मेरे पति जरूर थे, अगर तुम्हारे बाबा नहीं तो फिर ये बात आज तक मुझसे क्यों छुपाए रखी? एक बार जबान से निकल जाने के बाद रात रात नहीं रहता, मुझे डर था कहीं महामंत्री के आदमियों को पता न लग जाए। माधव के पिता ने मरते समय कहा था एक रोज बादल बड़ा होकर इस जुल्म का बदला जरूर लेगा, इसकी हिफाजत करना। भगवान जानता है बादल, मैंने तुझे अपने से ज्यादा चाहा, आज तक तुम मुझे मां और मैं तुम बेटा कहती रही, क्या इस झूठ के लिए, इस झूठ के लिए तुम मुझे माफ कर सकोगे बादल? कैसी बातें कर रही हो? अगर राजमाता सबकी मां और महाराज सबके पिता है तो क्या राजकुमार तुम्हारा बेटा नहीं सकता? और मां, तुमने तो मुझे बचपन से पाला है, तुम्हारा तो मुझ पर ज्यादा बेटा। मां, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं बाबा की तालीम से ढली हुई तलवार से अपनी नई जिम्मेदारी को निभा सकूं, और जो जख्म महामंत्री ने मेरे माँ बाप के सीने पर लगाया है मैं उसका मरहम बन सकूं। महाराज, जिस बात का डर था वही हो, ये आदमी मान सिंह का दोस्त है, आपके नाम मान सिंह का दस्ती खत लाया है। हाँ महाराज, उसने मरते वक्त मुझे दिया था, कहा था बहुत जरूरी है। उसने क्या लिखा? बुजुर्गवार महाराज, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने महल के दीप से अपनी अंधेरी कुटिया रोशन करनी चाही थी, मगर किस्मत और कुदरत ने मेरा साथ नहीं दिया, कुमार 12 वर्ष का आगे पड़ा होकर हम सबको छोड़ गया, उसकी मौत के राज को। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये कभी नहीं हो सकता। महाराज, ये सच है। महामंत्री, ये सब झूठ है। इस बात का क्या सबूत है कि तुम मान सिंह के दोस्त हो? और ये खत मान सिंह ने लिखा है। सबूत? हाँ सबूत, सच सच बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, वरना ये तलवार तुम्हारे सीने के पार हो जाएगी। नहीं, बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मुझे। क्यों महामंत्री, रात खुलते देखकर जान ले ली बेचारे? खामोश। जो बोल रहा था उसे तो आपने खामोश कर दिया, लेकिन जब मैं बोलूंगा तो उस वक्त आपके हाथ में कोई खंजर नहीं होगा, फिर मुलाकात होगी। सिपाहियों, सिपाहियों, जाओ जल्दी करो, कल आदमी का पीछा करो, जाओ। वो काला आदमी लोग कहीं गायब हो गया? एक एक की खाल खिंचवा लूंगा अगर वो महल से जिंदा वापस चला गया। महल का कोना कोना छान मारा मगर उसका कहीं पता नहीं चलता। दूर हो जाओ हमारी आंखों के सामने, जाओ। कौन हो? मुझे सेनापति ने भेजा है। तो वो नौजवान तुम हो जिसने हमारे लड़के की जान बचाई? जी हाँ। काला आदमी, इसने नाक में दम कर दिया, उस दिन खेमों से भी निकल भागा और आज यहां से भी। यहां से भी आपके होते हुए? सिर्फ हम क्या, अकेला सारी हुकूमत से टक्कर ले रहा। ताज्जुब है, आप जैसा महामंत्री और इतनी बड़ी हुकूमत एक आदमी को गिरफ्तार करने में नाकाम। अगर तुम कामयाब हो जाओ तो हम तुम्हें वचन देते हैं, दर्शन सिंह के महाराज होते ही हम तुम्हें महामंत्री बना देंगे। शुक्रिया, मैं जरूर इस बात की कोशिश करूंगा। जा सकते। जब तकदीर में औलाद का शुक्र है तो भगवान ने औलाद दी थी। मायूस न हो महारानी, हमारा बेटा एक न एक दिन जरूर। मां, मां कौन है? मैं तुम्हारा।
था किरण, जिसे तुम आज 20 साल से तलाश कर रहे हो। सुनो आपने, मेरा बेटा किरण, वो मुझे पुकार रहा है। माँ। बेटा, बेटा। माँ। तू? हाँ, मैं हूँ तुम्हारा बेटा किरण, और ये है वो निशानी। बेटा। माँ। बेटा, तू आ गया। हाँ। महाराज, मेरा बेटा आ गया। किरण, मेरा बेटा। किरण, किरण। मैं ना कहता था कि हमारा बेटा जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा हमारा बेटा। बेटा, तुम कहाँ थे, कैसे थे, और ये लिबास? ये सब बताने का समय नहीं है पिताजी। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि आप लोग मायूस ना हो, महामंत्री के पाप की नाव बहुत जल्द डूबने वाली है। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं बेटा, अभी तो जी भर के तुम्हें देखा भी नहीं। माँ, वक्त का तकाजा यही है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। महाराज, पिताजी, अगर मैं ये बता दूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो आप उसे क्या सजा देंगे? दुश्मन छोटा हो या बड़ा, सजा सिर्फ मौत है। तो सुनिए, बादल जो अभी अभी आपसे मिलकर गया है, वो राजकुमार किरण है। बादल किरण है? हाँ, वो राजमाता और महाराज से भी मिला है, और उसने उन्हें आपकी कैद से रिहाई दिलाने का यकीन दिलाया है। अभी अभी खेमों की तरफ किया है, आप सिपाही भेजकर उसे गिरफ्तार करवा लीजिए। उसे जाने दो, हम वो शिकारी नहीं जो शिकार के पीछे भागे, शिकार खुद हमारे जाल में फंस जाएगा। जब वो खेमों में पहुंचेगा, उसकी मौत उसका इंतजार कर रही होगी। तो बादल ही राजकुमार है, क्या तकदीर पाई है हुजूर ने, जिसे हम रास्ते का रोड़ा समझकर परेशान थे, वो घर के सामने ही मिल गया। लेकिन उसे कैसे खत्म किया जाए, पिताजी ने साफ लिखा है कि किसी को हम पर शक नहीं होना चाहिए। अगर किरण को मौत नहीं मिली तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मेरी जान ना ज़ुल्फ़ें खोलो, कहीं रात ठहरना जाए। मेरी जान ना ज़ुल्फ़ें खोलो, कहीं रात ठहरना जाए। मेरी जान ताब हवाएं ऐसे में खुशबू न उड़ा ले बालों की, खिलती हुई कलियां चुपके से रंगत न चुरा ले गालों की। ये रंग कहीं बट जाए ना, ये हुस्न बिखर ना जाए। मेरी जान ना ज़ुल्फ़ें खोलो, कहीं रात ठहर ना जाए। मेरी जान नाजुक बाहों से हर शाख लटकना सीख न ले, यूं जान के गहरी सांस न लो, हर मौज छलकना सीख न ले। लहरा के तुम्हारे आंचल तक हर शोक नजर न जाए। मेरी जान ना ज़ुल्फ़ें खोलो, कहीं रात ठहर ना जाए। मेरी जान
लगती हो अब और अदाएं जाने दो, माथे पे ये बल क्यों डाले हैं इस दर्जा सजाएं जाने दो, इतना भी किसी से रूठो ना कोई जी से गुजर ना जाए, मेरी जान ना जुल्फें खोलो कहीं रात ठहर ना जाए, मेरी जान ना जुल्फें खोलो कहीं रात ठहर ना जाए मेरी जान। काला आदमी, शाबाश सुंदर, शाबाश। आज सारी रियासत को तुम पर फख्र है, तुमने आज वो काम किया है। हुजूर भी धोखा खा गए, ये नकली काला आदमी है। मंगल सिंह जो बादल को ठिकाने लगाएगा और सारी रियासत में चर्चा हो जाएगा कि चूंकि काला आदमी बादल की महबूबा से प्यार करता था इसलिए उसने बादल को मार डाला। शाबाश सुंदर, शाबाश। मंगल सिंह जी हजूर, काम होशियारी से करना, जाओ। राजकुमार आया था, यहाँ कोई राजकुमार नहीं आया। खुशी छुपाया नहीं, बात लिया करते हैं राजमाता। वो तो मुझे शशि ने बताया कि बादल ही राजकुमार किरण। ताज्जुब तो ये है कि रियासत का मालिक रियासत में नौकरी कर रहा है, जब से मैंने सुना है शर्म से मेरा सर झुका जा रहा है। राजकुमार को वापस पाने की खुशी जितनी मुझे होगी महाराज और किसे हो सकती। महाराज चलिए बादल को बाइज्जत वापस ले आए, राजमाता की गोद और राजगद्दी दोनों उनकी मुंतजर है। लोगों को पता चल चुका है कि तुम राजकुमार हो। मैं तो इनाम के लालच में चला आया था।
बादल को काले आदमी ने मार डाला है उसकी तलाश में जल चुकी होगी। पापी हत्यारा, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, छोड़ दो मुझे। आर्ती, छोड़ो। आर्ती, मेरा इनाम सरकार। कमबख्त, तूने हमारे खास आदमी का खून किया है, गिरफ्तार कर लो इसे। जुल्फें हैं या चांद पे काले बादल, मुझसे डरो मत, आराम से ले जाओ, मैं तो तुम्हारा गम बांटना चाहता हूं। मुझे भी बादल की मौत का बहुत अफसोस है, मेरे सिपाही काले आदमी के पीछे गए हैं, शायद वो पकड़ा जाए। अगर वो पकड़ा गया तो मैं उसका खून पी जाऊंगी। उसका खून तुम्हें मेरे होठों से पीना पड़ेगा? क्या मतलब? अगर मैं काले आदमी का सर तुम्हारे कदमों पर चुका दूं तो क्या दिलों का सौदा हो सकता है? सेनापति, तुम्हें पता होना चाहिए, सीने में दिल एक होता है, एक बार दिया जाता है तो मैं दे चुकी। मैं वादा करता हूं आरती कि बादल की मौत से जो जख्म तुम्हारे सीने में लगा है उसे मैं अपने प्यार से भर दूंगा। तुम बादल की मौत का बदला ले सकती हो मेरी रानी बनकर। सेनापति, ये दिल की बात है, दिल मिलता है तो मुफ्त, नहीं तो किसी कीमत पर नहीं मिलता। लेकिन मैं अब प्यासा नहीं रह सकता। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। सेनापति, मैंने कहा मुझे ना भूल जाया कीजिए। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। मैं सूरत देखकर मदद नहीं करता, मदद करना मेरा फर्ज है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खबरदार जो मुझे हाथ लगाए। अरे वाह, आप उतरेंगी नहीं, मुझे उतारने नहीं देती हैं। ठीक
के शरारत से उतर जाओ तो नहीं मान। दूर रहो, मुझे छूना मत। कैसी तबीयत है आपकी? अरे साहब कमाल है, मेरे ही घर में मेहमान और मुझी से नफरत। आपके मरने वाले से बहुत अच्छा हूँ, गुस्सा थूक दीजिए। खामोश रहो, तुम जालिम। आपसे कम? यानी मेरा मतलब है कि मुझ में क्या कमी है? मैं किससे कम? दो चार दस का मुकाबला कर सकता हूँ, तलवारों के साये में पला हूँ। और फिर आप तो जानती हैं कि जब भी आप पर बुरा वक्त आया है मैंने ही आपकी मदद की है, कुछ तो इनाम मिलना चाहिए। इनाम? ओहो, जरा नफाब उठाकर तो देखो किस जोर का हाथ मारा है तुमने। मैं खूनी की शक्ल नहीं देखना चाहती। हाय हाय, अरे हुजूर जरा शक्ल देखिए तो सही, अकल दंग रह जाएगी आपकी। जीने दोगे या नहीं? मैं अपना सर पीट लूंगी। अच्छी बात है, कहते हैं कि नफरत मोहब्बत की छोटी बहन होती है। शायद आपको भूख लगी होगी, आपके लिए कुछ ले आऊं खाने को? ये लीजिए खाइए। अरे आपके बादल का कातिल तो मैं हूँ, इन फलों ने क्या किया है? मैं भूखी मर जाऊंगी मगर खूनी के घर की कोई चीज नहीं खाऊंगी। हाय हाय, कब तक भूखी रहेंगी आप? बैठ जाइए। मैं नहीं बैठूंगी। ये लीजिए, भूख लगे तो खा लेना, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, ये चाकू बहुत तेज है, ऐसा ना हो कि फल काटते वक्त आपकी उंगलियां कट जाएं, तो हमारा दिल जख्मी हो जाएगा। भागने की कोशिश मत करना। छुरी मार दी होती तो क्या हुआ? मेरे खून से तुम्हारे हाथों में मेहंदी लग जाती। मेहंदी तो एक दिन लगनी है ना। तुम्हें ये जानकर खुशी हो कि बादल ही खोया हुआ राजकुमार किरण, जाओ उनसे माफी मांगो और बाइज्जत यहां ले आओ। बादल? राजकुमार किरण? हाँ हाँ, जल्दी करो, जाओ जल्दी करो। खामोश क्यों खड़े हो, जाते क्यों नहीं? मुझे अफसोस है कि आप लोग देर में पहुंचे, अब सिर्फ ये बाकी बचा है। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। महाराज, बादल यानी राजकुमार आरती नाम की एक लड़की से मोहब्बत करते थे और काला आदमी भी उसी लड़की से इश्क करता था। इस इश्क के झगड़े में काले आदमी ने राजकुमार को मार डाला। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा, मेरा लाड़ा। महारानी,
तुम राजकुमार हो, ये पर्दा मुझसे क्यों था? अब तो ये पर्दा उठ चुका है। लेकिन अब तो मैं इतनी दूर निकल आई हूँ, पांव वापसी का रास्ता भूल चुकी। अगर पहले दिन जान जाती कि तुम राजकुमार हो तो दिल कभी न देती। क्यों? राजे सिर्फ चाहना जानते हैं, निभाना नहीं। मेरी जब तुम, मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, कह दूंगा कि राज रियासत तख्त ताज के साथ मुझे आरती भी चाहिए, नहीं तो मैं भिखारी ही अच्छा। आरती माँ आखिर माँ होती है, वो अपनी औलाद का दिल कभी नहीं तोड़े। काम बादल अधूरा छोड़ गया है, वो हमें जरूर पूरा करना है। हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, हथियार बन चुके हैं। अब हमारा सबसे पहला काम है महाराज और राजमाता को महामंत्री के कैद से छुड़ाना। ये काम आपका नहीं बल्कि मेरा है। मेरा लाल, मेरा लाल। तू जिंदा है? जिंदा है बेटा? तुम्हारी मौत की खबर सुनकर मैं तो बिल्कुल अधमरी हो गई थी। माता जी, काला आदमी बादल को कैसे मार सकता था जब बादल खुद ही काला आदमी है? वाह बेटा, बादल बड़े चालाक निकले, हमी से ये बात छुपाई। चाचा जी, दूसरों का भला करने के लिए अपनों से बहुत सी बातें छुपानी पड़ती है। बादल, बादल। बबलू, क्या खबर लाए? खबर एक ही है और बहुत बुरी है। महाराज और महारानी को यकीन दिलाया गया है कि तुम मर चुकी हो, और ये सुनते ही महारानी बेचारी बेहोश हो गई। हे भगवान, अब क्या होगा बेटा? मुझे राजमहल जाना ही होगा। अगर वहाँ तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो? मुझे वहाँ कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि मैं मर चुका हूँ, और फिर मैं एक ऐसी तरकीब करने वाला हूँ। अगर ये अंगूठी पहन के जाओगे तो सब तरकीबें बेकार हो जाएंगी। तो क्या तुम महाराज और राजमाता को छुड़ा ला दो बेटा? कम से कम मैं उन लोगों को ये तो बता दूंगा कि मैं जिंदा हूँ, और फिर उसके बाद जो कुछ पिताजी कहेंगे वैसे ही करूंगा। अच्छा मां, जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद और लोगों की दुआएं तुम्हारे साथ है। भगवान का तुम जल्दी कामयाब होकर लौटो। अच्छा अच्छा, अपना ख्याल रखना। जब हमारी आंखों का नूर ही हमसे छीन लिया गया तो हम हुकूमत क्या करें? चलो महामंत्री, हमने तुम्हारे बेटे को राजगद्दी सौंप दी। महाराज, दर्शन भी आप ही का बेटा है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। खबर न हो कि हमने इस काले आदमी को गिरफ्तार कर लिया है, यहाँ तक कि महामंत्रियों दर्शन सिंह को भी नहीं। समझे? बहुत अच्छा था काट, इस पर नजर रखना। बहुत अच्छा, आओ। चाचा जी, चाचा जी, आरती गजब हो गया। क्या हुआ? एहलान, एहलान। किस बात का? जिस बात का डर था उसी बात का। अरे बताओ क्या बात? महाराज ने दर्शन सिंह के हक में गद्दी छोड़ दी। क्या इसका मतलब है? बादल महाराज से नहीं मिल सका, तब तो जरूर पकड़ा गया होगा। अब क्या होगा बेटी? घबराइए नहीं माता जी, मैं और बबलू जाते हैं पता लगा। लेकिन बेटा, तुम लोग महल में घुसोगे कैसे? या ऐसे? पिताजी, अगर हम लोगों को लौटने में देर हो जाए तो आप अपने आदमियों को लेकर ताजपोशी में चले आइए। ठीक है, चलो चलो। चाचा जी जल्दी आना। थोड़ी देर में आप इस रियासत के महाराज होंगे और तुम महामंत्री। आपके महाराज होते ही मैं आपको ऐसा तोहफा पेश करूंगा कि आप दंग रह जाएंगे। सब जी दरबार में मौजूद हर आदमी हैरान रह जाएगा, और आप अपने सुंदर पर फख्र करेंगे। वो तो हम अब भी करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। Thank you.
क्यों आती हो? हकीकत में आ जाओ। ये आपने क्या किया? यकीन कर लिया कि यह ख्वाब नहीं हकीकत। आपका हाथ जो जल गया? दिल की जलन तो कम हो गई और शमा भी बुझ गई। दूसरी शमा जवा दी। मैं आपको आपका वादा याद दिलाने आई हूँ। वादा? हाँ, आपने कहा था ना काले आदमी का खून तुम्हें हमारे होंठों से पीना पड़ेगा। हमें अपना वादा याद है आरती, लेकिन अफसोस काला आदमी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, इसलिए उसका खून तो नहीं हमारे होंठ आ गए। माँ। माँ, माता जी को बाहर क्यों खड़ा किया? माता जी अंदर आइए ना। माता जी। जीते रहो बेटा, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, भगवान तुम्हें तुम्हारे नेक कर्मों का फल जल्दी देगा। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ। क्यों 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 माता जी, आप तत्पुरुषी में नहीं आएंगी? आऊंगी, जरूर आऊंगी, लेकिन फेस बदल कर आऊंगी। फेस बदल कर? हाँ, मेरा मतलब है दरबारी लिबास पहन के आऊंगी। आप मुझे भी इजाजत दीजिए। आरती, हम तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, इजाजत नहीं। इसका फैसला मेरी माँ करेगी। माता जी, हम इस फूल से अपनी जिंदगी सजाना चाहते हैं, क्या आप? मैं दखल देने वाली कौन हूँ बेटा, ये तुम्हें बहुत चाहती है, इसका दिल मत दुखाना। नहीं माता जी, हम इसके दिल को अपनी आंखों में हमेशा हमेशा के लिए छुपा के रखेंगे। माला। जी माता जी। जपने की, घर भुलाई। देखो, हमारी होने वाली महारानी को शबनम में गुसल करा के ताजपोशी के लिए तैयार करो। अच्छा माता जी, और देखो तुम मेरे लिए एक माला और लिबास लेके आओ। बहुत अच्छा। दर्शन सिंह को तो काले आदमी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मेरा ख्याल है सुंदर ने उसे कहीं छुपा के रखा होगा। ओह, तुम इसका ख्याल रखो, मैं उसे देखता हूँ। हाँ। माला का ख्याल रखना, सिपाही बहुत घूम रहे हैं, कोई पहचान लेगा। अच्छा। किसको ढूंढ रही हो? अजीत, तुमको। मुझको? नहीं। तो फिर क्या, मुझको? नहीं। तो फिर किसको? तुम दोनों को। देखता क्या है मोहित, मैं तेरी भी खबर लेती हूँ। अजी, मैंने कहा नाम तो बतलाइए। मेरा नाम बबली। हाय हाय, कितना मीठा नाम। हट मुए, मेरे नाम को नजर लग जाएगी। अजी, नजर क्या लग जाएगी, ये तो हाथ लगाने काबिल है। हाँ हाँ, हाथ मत लगाओ, मैं मैली हो जाऊंगी। और अगर मैं हाथ पकड़ लूँ तो? तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। मैं पकड़ लूँ तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। पहले मैंने पकड़ा है, मैंने पकड़ा है, मैंने पकड़ा, मैंने पकड़ा, मैंने पकड़ा, मैंने पकड़ा। ठहरो ठहरो ठहरो, देखो मेरे लिए पानी ले आओ, प्यास लगी है। जा तू पानी लेके आ, जा तू ले आ, तू जाकर ले आ, तू जाकर ले आ, तू जाकर ले आ, ठीक है, तू जा, ठहर, ठहर, तू जा, झगड़ा मत करो। देखो तुम जवान हो, तुम जाके पानी ले आओ, तब तक मैं बूढ़ों के साथ गुफ्तगू करती हूँ। ये बात, चलो बूढ़ों। बूढ़ो बबली, सैया के नैना जादू मार, हाय सैया के नैना जादू मार, हाय मैं वारी जाऊं, हाय मैं वारी जाऊं। बबली, हाँ दो, तुम्हारे लिए फूल लाया है, सुंगो और सुंगो और सुंगो।
बबली, बबली, भाई, बबली तेरे लिए पानी लेके आया। अच्छा किया, मुझे तो प्यास तुम्हारे प्यार की थी। लो फूल सुंगो फूल। लेकिन बबली बढ़ाओ नजर नहीं आ रहा। गोली मारो बढ़ाओ को, तुम अपने प्यार का फूल सुंगो, मैं पानी पीती हूँ। खुशी की खुशी में ये दोनों शराब पी के धूत थे। ये घाघरा पहन के नाच रहा था और ये बुढ़ो देख रहा था। अच्छा हुआ मैं वक्त पे आ गया, तो ये काला आदमी अपने हाथ से भाग गया था। चौक शाबाश, मैं और सिपाही भेजता हूँ, तुम लोग इसे लेकर दरबार में आ जाओ। ये होने वाले महाराज के लिए तोहफा है। हुजूर ये मेरा गरीब का तोहफा सुनिए। ये फूल सूंघने का वक्त नहीं। आज की रात इस रियासत की तारीख में अपनी तरह की एक अजीब रात है। ये ताजपोशी नहीं, हमारी मजबूरी है। 22 साल मुसलसल इंतजार के बाद राजकुमार के बजाय जब हमें उनकी लाश मिली तो हमारे सामने इसके सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं आपको, महाराज को और सारी रियाया को यकीन दिलाता हूं कि मेरा बेटा किसी को मायूस नहीं करे। महाराज आइए। अब आप लोग अपने अपने तोहफे पेश कर सकते हैं। महाराज, सबसे हैरत अंगेज और कीमती तोहफा चूंकि मैं लाया हूँ, इसलिए सबसे पहले इजाजत मुझे दी जाए। इजाजत है। महाराज आप तकलीफ न करें, मैं किरण भैया की मौत को भूला नहीं। पहले इसका मनहूस चेहरा सबको दिखाओ, फिर इसका जिस्म तलवारों से छलनी कर दो। ठहरिए महाराज, हुकूमत से ज्यादा नुकसान इसने मेरा किया है, इसलिए इसकी जान लेने का हक मुझे दिए थे। हजूर की ताजपोशी की खुशी में मैं नाचूंगी गाऊंगी। मेरा ये नाच जो सबके लिए दिल फरेब होगा, इसके लिए जान देवा होगा। शाबाश आरती, हम ये जरूर देखना चाहेंगे कि मोहब्बत का नगमा मौत का गीत कैसे बनता है, मगर इससे पहले हम इसकी मनहूस सूरत देखना चाहते हैं। नकाब हटाओ। ढांप दो।
जलाऊंगी मैं, बिजली गिराऊंगी मैं अपनी निगाहों से। राही दिल वाले गुजरा है पुत वाले, क्यों मेरी राहों से। तुझको जलाऊंगी मैं, बिजली गिराऊंगी मैं अपनी निगाहों से। दीवाने मेरी जफाओं में, समझा ना दिल तेरा उलझा है दिल तेरा मेरी अदाओं में। धोखे निगाहों के हैं रंग जफाओं के हैं मेरी जफाओं में। पहचाने तो मैं वही हूँ वही, रात है काट तामील होगी वह तुम्हारा हुक्म नहीं होगा। जो तलवार यहाँ राज करेगी वह तुम्हारी तलवार नहीं होगी, और जो राजा इस राजगद्दी पर बैठेगा वह तुम्हारा लड़का नहीं होगा। बकवास बंद करो वरना हम तुम्हारी जबान काट देंगे। वो क्या किसी की जबान काटेगा जिसके खुद हाथ कट चुके हैं। महामंत्री,
तुमने आज तक मनमानी की है, मुर्दों के कफन बिकवा दिए, नाखून की खातिर लोगों की उंगलियां कटवा दी है, लगान के लिए तुमने लोगों के मकान जलवा दिए हैं। गिरेबान ने मुंह डाल कर देखो, शर्म से तुम्हारी गर्दन छिप जाएगी। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, रियायत जाग चुकी है, और शायद ये जानकर तो तुम्हारी जान ही निकल जाएगी कि ये काला आदमी हुकूमत का वो खोया हुआ चांद है जिसे आज तक बादल ने छुपा रखा। राजकुमार किरण बेटा, पिताजी दर्शन सिंह, राजगद्दी से उतरकर अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम्हारी किस्मत का फैसला हो चुका है। किस्मत का फैसला हो चुका है, लेकिन हुकूमत का फैसला अभी तक नहीं हुआ, सिर्फ तलवार से होगा। अगर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश मौत है तो वो भी पूरी कर दी जाएगी। बाबलू, दर्शन सिंह, हमने तुम्हें इस राजगद्दी पर बिठाने के लिए अपनी जिंदगी के 30 साल बर्बाद किए, और जब तक हम जिंदा हैं दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इस गद्दी से नहीं उतार सकती। तो फिर आप अब बहुत देर तक जिंदा नहीं रहेंगे महामंत्री। राजकुमार, हमने अब राजगद्दी हासिल की है और अब इसकी हिफाजत तलवार से करेंगे। तुमने जवानी का जोश देखा है, तजुर्बे का वार नहीं सहा। अगर हम जीत गए तो ये गद्दी हमारी, और मारे गए तो बहादुरों की मौत मरेंगे। सलामती चाहते हो तो तलवार फेंक दो। नहीं बेटा नहीं, ऐसा कभी मत करना। जुल्म खत्म करने के लिए हमारी जिंदगी से ज्यादा तलवार का होना तुम्हारे हाथ में जरूरी। नहीं नहीं पिताजी, जुल्म बगैर तलवार के भी खत्म किया जा सकता है। अब अपने आदमियों से कहो हथियार फेंक दें। नहीं नहीं बेटा, हमारी जिंदगी के लिए इस पापी को मासूम रया की जिंदगी से मत खेलने दो। सिपाहियों को आजाद कर दो। बेटा बेटा, पिताजी अब कहिए राजकुमार जी क्या होगा? गिरफ्तार कर लो दर्शन सिंह को। खबरदार किसी ने कदम आगे बढ़ाया तो। कुमार, ये राजगद्दी है, इतनी आसानी से नहीं मिलती। मैंने अपने पिता को खोया है, तुम्हें अपनी मोहब्बत को खोना होगा। दर्शन सिंह खबरदार, तुम्हें मेरी मौत से ज्यादा आरती की जिंदगी चाहिए। चला Thank you.
के बाद आज मैं सांस ली। तुम्हारे इंतजार में जितने दुख उठाए थे आज हम सब बेटा सब दादा बेटा आज से तुम इस राज और रियासत के मालिक हो। राजकुमार की आरती यहाँ आओ बेटी। बहन मैंने तुम्हारे बेटे के लिए ये बहु पसंद की है। जीती रहो बेटी। भगवान करे ये जोड़ी सदा सुखी रहे। महाराज लगे हाथ हमें भी आशीर्वाद दे दीजिए। बबलू खामोश। जब तुम बादल थे तब मैं बबलू था। अब आप यहाँ के महाराजा हो गए और मैं महामंत्री हो गया हूँ। भाइयों अब आप लोग भी हमें आशीर्वाद दे दीजिए। अब घर जाइए।